जवाब साहब नर्वस मेरा होना बनता, आप हुए खैर। पहली बारी चला रहा ना लाड़े ने, की ने, गाड़ी। लाड़े की बहुत लाड़े की गाड़ी बहुत चलाई है उसने। एक तो मैंने सबको मैंने एक बात की है, मैं कहा वो सारी उम्र इस चीज को से रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी शादी के खाने निकाल इतना बढ़िया खाने। सुबह सुबह क्या टाइम हुआ है डेनियल? सवा सात हो गए हैं हम लोग, साढ़े सात हो गए हैं। साढ़े पाँच से मुझे डेनियल ने तैयार करना शुरू किया। आज बारात डे है और डेनियल ने ये मेरी लुक बनाई है। अच्छा है, मतलब हेयर स्टाइल को थोड़ा रफ में रखा है क्योंकि ऊपर कूला आ जाएगा और मैं तैयार शेयर हो गया हूँ। थैंक यू डेनियल, आज पूरा दिन आप रेस्ट करो, कल फिर बली में भी मिलते हैं। हेलो तैयार शुदा गाइज नहीं जी, माशाल्लाह गाड़ियाँ रेडी हैं। ये इसके ऊपर नेट लगाया क्योंकि रास्ता हमारा लंबा है ताकि फूल उड़ ना जाएं, लेकिन इनका मुझे ख़तरा है कि ये तो निकलते भाई उड़ जाएंगे। ये वाली गाड़ी भी और ये वाली गाड़ी भी दोनों सेम वी के अंदर, एक सिंपल डिज़ाइन है इनका और कुछ नहीं है। बैक पे ये थोड़े से गुलदस्ते हैं और यहाँ पे है और यहाँ पे है। सुबह सुबह 7:30 बजे क्या किया भला इसने? ये वाली प्लेट जोन सी है उधर शिफ्ट कर दी, बस गंजी कर दी। हाँ ये वाली टोटल प्लेट उधर शिफ्ट करी सुबह सुबह आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा बर्गर बन के फिर होता है लम्स जाने वाले लोग। हाँ जी एफसी जाने वाले वासिफ एंड टीम, बहुत मेहनती किस्म की टीम पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बारात डे, बारात निकल चुकी है। जेडी कार ड्राइव कर रहे हैं, असद पीछे बैठा हुआ है। यस, तो अब पीछे जो गाड़ी है उसमें अम्मी अबू हैं, हसन है, भाभी हैं और आगे जाके अम्मी अबू को मैं अपने साथ बैठा लूंगा। अभी हमने सोचा सफर हमारा 4.5 घंटे का ऑलमोस्ट। yes. हम बहावल नगर से जा रहे हैं फैसलाबाद, लंबी बारात है और हमें रोड कंडीशन का कोई आइडिया नहीं है कि कैसी है, क्योंकि ये वाला जो साहिवाल टू फैसलाबाद वाला रोड है वो खास हालत में नहीं रहता। उससे पीछे बंटी है, उससे पीछे तगड़ साहब है, उमेर वगैरह है, सारे अपनी अपनी लाइन में। जवाब साहब नर्वस मेरा होना बनता, आप हुए खैर? पहली बारी चला रहा ना लाड़े की गाड़ी। लाड़े की बहुत लाड़े की गाड़ी बहुत चलाई है उसने, तभी तो वो चला रहा है। वो लाड़े की गाड़ियां चलाने में ट्रेंड है। ये कोई और चक्कर है भाई, तू मेरी चादर उतार पहले। ये भाई चादर मैंने नाप ली है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। चल ठीक है यार, बस फूल ना उड़ जाए। ये मुझे लगता है वहाँ पहुँचते पहुँचते ना फूल उड़ जाना। सारी बातें एक तरफ, रात असद मुझे डिटेल में मिला नहीं मेहंदी के बाद, क्योंकि मैं तो जाके सो गया। असद जो तूने रात मेहंदी पे माहौल बनाया और जो जेडी ने तेरा साथ दिया, ओए होए जेडी साहब भाई, बार बार यही कह रहे थे कि सिंक्रोनाइज नहीं होगा। मैं कहा तू नहीं, हो गया हो गया, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। असद ने और जेडी ने असद का साथ दिया, लेकिन असद ने तो पूरी मतलब मेहंदी पे एंड पे मेहंदी का जो पूरा रिदम था ना, वो ये ले गया कि जिस तरह लग रहा था कोई शो स्टॉपर बन गया। शो स्टॉपर मतलब कि अखीर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना नेक्स्ट लेवल किस्म का ये शो बना देगा, वो इसने किया। शुक्र है, कल का इवेंट बहुत अच्छा अच्छा हुआ। अल्लाह करे आज का उससे भी अच्छा करेगा, खैर खैरियत से हो इंशाल्लाह। बरातें चल रही हैं खुदा हाफिज बहावल नगर, मिलते हैं इंशाल्लाह शाम को वापस। अभी हम लोगों ने एक चाय ब्रेक लिया और ये नेट उड़ गया था, तो अमाद और बूटा जी जो है नेट को अभी सेट कर रहे हैं। बाकी सारी बारात खड़ी है, मजा आ रहा है यार आज मैं गाड़ी में, वरना मैं भी इन कामों में मुलविस होता हूँ। ये सारे अभी खड़े अब्बू के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने कौन से रास्ते से जाना है, क्योंकि साहिवाल से फैसलाबाद 3-4 रास्ते हैं, तो उसमें से ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि हमने किस पे से जाना है। ये असद की ड्यूटी चल रही है सबके लिए चाय कॉफी। किस किस नंबर से कौन कौन चल रहा है? बंटी किधर गया? जो आगे बाबा ठीक है, उम्र वाइज आ रहे हैं ना, फिर हसन है सारे, फिर ब्रो तेरा तगड़ साहब भी दूल्हे गड्डी में, तगड़ साहब से भी गाड़ी में, तगड़ पंजे में चाचू पीछे आता है, चाचू पीछे तगड़ सबसे पीछे गनमैन के साथ। अच्छा कहता मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा गनमैन को कोई हल्का सा बस ऐसे सीधा कर दिया। असद तू कौन से नंबर पे चल रहा है? मैं भाई जान छठे नंबर पे, पहले 10वें नंबर पे, और इसी पे हूं ना, तो मैं इसी पे। तेरे ब्रो का दिल चल रहा है। ये रोड कंडीशन है और जवाद साहब के पास माशाल्लाह जहाज है, तो हम तो उड़ते जा रहे हैं और पीछे बारात गायब हो चुकी है।
जवाद मुझे कह रहा था कि पीछे सबको फोन कर के उड़ते आए, जो भी गाड़ियों का नुकसान हुआ वो खडोली सड़क है ना, जो भी गाड़ियों का नुकसान हुआ जवाद अहमद पे करेगा। अच्छा साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई सारी जिंदगी इसकी वर्कशॉपों में गुजर जानी अगर सिविको ने खींच दी। सिविको ने खींची थी तो तेरी सारी उम्र वर्कशॉपों में गुजर जाए। ये सारे के सारे कह रहे थे ओए हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे पीछे। मैं उनको कह रहा हूँ कहाँ पे हो पीछे, पीछे कोई पीछे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ धूल आ रही है, सिर्फ धूल और मिट्टी है तो और कुछ भी नहीं। क्योंकि रोड ऐसी है यार ये, लेकिन 10-15 किलोमीटर ऐसी है, बाकी आगे समुद्री से आगे सुना है ठीक है बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो हमारा फॉरवर्ड ग्रुप है ना वो आगे पहुंच गया हुआ है सारी रोड क्लियरस करते हुए। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे हमारे वासिफ भाई को, वासिफ भाई हमारे आगे आगे चल रहे हैं और उन्होंने हमें सारी की सारी रोड अपडेट देते जा रहे हैं। मिशन बोट। वासिफ के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, वासिफ हमसे एक घंटा पहले निकल गया था क्योंकि उन्होंने जाके कोई अपनी फॉर्मेलिटीज करनी होती है शूट की। और ऑनेस्टली यार मैं अभी इनसे भी ये बात कर रहा था कि वासिफ ऐसा बंदा है, मुझे ये फोटोग्राफी अगर वासिफ ने, वैसे तो वासिफ अब मेरा कुछ भी इवेंट हो ना तो मेरे जहन में आता ही नहीं है कि मैंने कोई और फोटोग्राफर टीम हायर करनी है, तो मैं वासिफ को फोन करता हूँ। अगर वासिफ फोटोग्राफर ना भी होता तो मेरी शादी में ये मेरे दोस्तों की तरह साथ होता, वो अभी भी साथ है, तो इतना ग्रेट आदमी है वो।
हाँ भाई बॉयज, फंक्शन एंजॉय किया? फुल रास्ता एंजॉय किया। रास्ता तो था, रास्ता था करने वाला। क्या मेन्यू था? रूह खुश करने वाला मेन्यू। एक चीज खाते जाए कसम से, मैंने इसे, ये मेरे साथ बैठा, मैंने इसे कहा वो ट्राइफल खाया है, मैं कोई चम्मच लिया ना, मैं कहा रूह खुश हो गया, ऐसे खुशी से चढ़ गया। वो खाया, हलवा लिया पिछला भूल गया, आइसक्रीम खाई हलवा भूल गया, आइसक्रीम थी कसम से। नहीं वो मटन कुन्ना, मटन को हाथ लगा, नहीं हाथ लगा, हाथ लगा मटन सिर्फ सालन वाला। अच्छा सालन, वो रोस्ट जो था, रोस्ट हुए हुए ऐसे करके खोलो। मुझे एक चीज भी नसीब नहीं हुई, एक चीज। मैंने सबको, मैंने एक बात की है, मैं कहा वो सारी उम्र इस चीज को से रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी शादी के खाने नहीं खाया इतना बढ़िया खाना। लेकिन वो खाना छोड़ के मैंने क्या किया, फोटो शूट उसका ज्यादा रिग्रेट होना था। क्यों अरसलान, वो ज्यादा जरूरी था, फूड ब्लॉगर देखे, फोटो शूट ज्यादा जरूरी, फूड ब्लॉगर देखे यार, खाना में फिर जाके बनवा के खा लूंगा। अब मेरा ससुराल है, फैसला नहीं, 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 नहीं। भाई बैक होम, और यार कसम से इतना मजे का मेरी बारात का जो मेन्यू था वहां पे, वो मुझे तो बाद में पता लगा। उस टाइम ये सीन ही हुआ कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, हम सुबह से यहाँ से चले हुए थे, एक बजे जाके बारात पहुंची और एक से पांच तक हॉल का टाइम था, तो पहले वो सारी बीच में ही रस्में होनी थी, ये वो शुक्र है निकाह पहले हुआ था तो वो टाइम हमारा बच गया, वो सारा कुछ होना था। और जिस टाइम फिर लोगों ने खाना खाना था उस टाइम भी हमारा शूट होना था, उसके अलावा हमारे पास और कोई टाइम नहीं था शूट का, और अगर शूट छोड़ के खाना खा लेते तो वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा होना था। तो खैर इसलिए बाद में तो मेन्यू पता लगा, मटन कुन्ना, मटन रोस्ट, उसके बाद फिश स्टेक, सूप, और क्या क्या था पता नहीं, कुछ 6-7 डिशेस थी, और हर चीज़ मतलब यही मुझे सारे बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग इवन ये कह रहे थे कि ये लग ही नहीं रहा शादी का खाना, ये लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट का खाना है, वो मैंने मिस कर दिया। और मुझे ये भी नहीं याद रहा कि यार मैं असद को कहते था कि प्लीज़ मेन्यू एक दफ़ा ज़रा रिकॉर्ड कर लेंगे क्या क्या था, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकता, लेकिन वो अब मुझे नहीं पता। ये चीज़ मैं वलीमे पे करूँगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं शायद, मैं तो अपनी शादी में कैमरा नहीं उठा सकता इवेंट के अंदर जाके, जो मैंने पिछले 2 इवेंट्स में भी नहीं किया, तो बाकी ये बॉयज़ जो है ना वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो बाकी वासिफ की फुटेज से मैं आपको शादी दिखा रहा हूँ। तो खैर ये सीन हुआ। और ऐसा दूसरा, काफी लोगों को लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन कौन इनवाइट कर लूंगा अपनी शादी में, और मेरी शादी बहुत कमर्शियल होगी इस तरह, ऐसा कोई, मैं बहुत गैदरिंग्स के मामले में बहुत लिमिटेड सा बंदा हूँ। तो मेरे लिए जो लोग बहुत खास थे मैंने वो इन्वाइट किए हुए थे, बहुत लिमिटेड से, उसमें एक ताबिश हाशमी, सुनील भाई, उसके बाद बिलाल रशीद, बिलाल मुनीर, उसके बाद डॉक्टर बिलाल इस्लामाबाद से, और मुबीन अली, अली गौरसी, ये मेरे जो है ना वो करीबी लोग हैं, इनको मैंने इनवाइट किया हुआ था। इसके अलावा मैंने कोई बहुत कमर्शियल शादी करने का कभी पहले सोचा भी नहीं था, और ना ही मैंने वो भी किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम लोग हों बहुत अच्छे हों तो वो ठीक होता है। तो इस तरह से बारात गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है सब फिट हो गया। और इस वीडियो भी खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को नाम याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, मस्त है, अल्लाह।